स्टूडेंट नेक्स्ट बोर्ड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 1978 का एक क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, केशव एंड देवीदास आर पार्टनर एंड ट्रायल बैलेंस एंड द नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ द फर्म गिवन बिलो। परचेज है, सेल्स रिटर्न है, डेटर्स है, ओपनिंग स्टॉक है, सैलरी है, वेजेस है। फर्नीचर में देखो स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है फर्नीचर बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 12 और ये दिया है 31 मार्च 13। आपका ईयर एंड है स्टूडेंट 31 मार्च 13, मतलब ये जो 700 का फर्नीचर है ये हम लोगों ने लास्ट डेट को परचेज किया। जिस दिन हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं उस दिन हमने परचेज किया, मतलब उस 700 के ऊपर स्टूडेंट डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि उस एसेट्स को हम लोगों ने यूज किया नहीं है। आपको एक तरह से सिर्फ उसने मिसगाइज किया है। मशीन है, बैड डेब्ट्स है, एडवर्टाइजमेंट 3 ईयर्स के लिए, इसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट हिडन एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस है, ड्रॉइंग में केशव है, देवीदास है, कैश है। अगर क्रेडिट साइड को जाता हूँ स्टूडेंट तो केशव है, देवीदास है, कैपिटल उनका, सेल्स है, परचेज रिटर्न, कमीशन, क्रेडिटर, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, रिजर्व फॉर डाउटफुल, डेप्थ है। देन स्टूडेंट्स वी हैव द क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 5%, फर्नीचर के ऊपर 10%। स्टूडेंट तो प्लीज आप मशीन को मार्किंग कर लो एंड प्लीज स्टूडेंट्स आप फर्नीचर को भी मार्किंग कर लो। देन डिडक्ट 200 बैड डेब्ट्स, डेटर्स को मार्किंग कर स्टूडेंट, डेटर्स को 2 टाइम मार्किंग कर ले एंड स्टूडेंट अगर आपके पास बैड डेब्ट्स है तो बैड डेब्ट्स को भी मार्किंग कर लो, बैड डेब्ट्स आपके पास नहीं है। केशव गेट 1% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, पार्टनर्स को ग्रॉस प्रॉफिट में 1% मिलेगा तो उसके लिए पहले हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए। एंड जो देवीदास है, देवीदास सैलरी मिलेगा 2000 रुपीज पर एनम। ध्यान रखना स्टूडेंट कभी कभी पर मंथ होगा, कभी मंथ होगा तो आपको 12 से जितना नंबर्स ऑफ मंथ हो पार्टनर्स वर्किंग रहेगा उससे आपको इंटू करना पड़ेगा। यहां पर पहले से पर एनम दिया है तो आपको कोई इश्यू नहीं। देन आफ्टर कंसीडरिंग द एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट एज यूजुअल क्वेश्चन। और मैंने बताया ना स्टूडेंट की मार्च 1978 का क्वेश्चन है। आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन सारे स्टूडेंट लोगों को समझ में आया होगा। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन, लेजर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने टाइम सेविंग के लिए लेजर्स पहले से ड्रॉ करके रखा है। नाउ वी स्टार्ट द पोस्टिंग और पोस्टिंग स्टार्ट करते समय स्टूडेंट मैं आपको एवरी टाइम बोलता हूं पहले आप डेबिट साइड को कंप्लीट करना देन यू सी द क्रेडिट साइड। जब डेबिट साइड को करोगे स्टूडेंट तो आपके दिमाग में रहना चाहिए डेबिट साइड में आता है एक्सपेंसेस लॉसेस एसेट्स जो कहां कहां जा सकता है स्टूडेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट नहीं तो बैलेंस शीट का एसेट्स। क्रेडिट साइड करते समय स्टूडेंट आपके दिमाग में रहना चाहिए क्रेडिट साइड में क्या आता है इनकम गेन लाइबिलिटी जो कहां कहां जा सकता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट नहीं तो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी। तो फर्स्ट है स्टूडेंट आपका आइटम्स परचेज 1,25,000। देखो स्टूडेंट परचेज परचेज इज 1,25,225। देन सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न स्टूडेंट्स हम लोग ऑलवेज सेल्स में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। दिस सेल्स रिटर्न इज 4,250। देन स्टूडेंट डेटर्स, डेटर्स का मतलब जिसको हमने क्रेडिट पर सेल्स किया जिससे हमको फ्यूचर में पेमेंट लेना है एसेट्स डेटर्स 50,200।
एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट, फोर लाइन आप स्किप करोगे। देन यू हैव द स्टॉक, स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक 28,788। देन वी हैव द सैलरी, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी 13,677। सैलरी के बाद स्टूडेंट वी हैव द वेजेस, वेजेस हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस मतलब मजदूरी, मजदूरी किसको देते हैं, मजदूर को, मजदूर कहाँ काम करता है, फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग, वेजेस, दिस वेजेस इज 21,67। वेजेस के बाद स्टूडेंट वी हैव द फर्नीचर, फर्नीचर इज एसेट्स, फर्नीचर इज एसेट 74,50। देन स्टूडेंट वी हैव द मशीन, मशीनरी इज ऑल्सो एसेट्स 7,500। देन बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, देन स्टूडेंट वी हैव द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस, दिस एडवर्टाइजमेंट इज 3,000। अब स्टूडेंट यहां पर एडवर्टाइजमेंट 3,000 हम लोगों ने पेड किया है, और आप देखोगे कि ये 3,000 रुपीज जो हम लोगों ने पेड किया है, आपको देखो स्टूडेंट्स ब्रैकेट में लिखकर दिया है फॉर 3 ईयर्स। जो फाइनल अकाउंट स्टूडेंट हम लोग बनाते हैं तो 3 ईयर्स के लिए नहीं बनाते हैं, अकाउंट्स तो 1 ईयर्स के लिए बनता है, और हमने एक्सपेंसेस 3 ईयर्स के लिए पेड किया, मतलब एक्सपेंसेस हमने ज्यादा पेड किया है, जिसको आप बोलोगे प्रीपेड या जिसको बोलोगे एडवांस। तो ये 3,000 स्टूडेंट 3 ईयर्स के लिए पेड किया, तो 3 से स्टूडेंट मैंने डिवाइड कर दिया तो मुझे पर ईयर्स का मालूम पड़ेगा, तो 3,000 डिवाइड बाय 3 पर ईयर्स का कितना हो गया स्टूडेंट 1,000। अक्टूबर में स्टूडेंट हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया है, और हमारा एंड कभी हो रहा है मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फेब मार्च, मतलब स्टूडेंट हम लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कितना दिन करा रहे हैं 6 मंथ, तो ये कितना हो जाएगा 6/12। तो 3,000 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 1 ईयर का एडवर्टाइजमेंट 1,000, तो 6 मंथ का कितना स्टूडेंट होगा, तो 6 मंथ का 500, मतलब ये कि 2,500 रुपीज हमारा एक्स्ट्रा है, 2,500 स्टूडेंट्स हम लोगों ने किसी को ज्यादा पेड करके दिए रखा हुआ है, हम लोगों ने किसी को दे के रखा है, विच इज एसेट्स फॉर अस, जो हमारे लिए क्या है एसेट्स है, प्री पेड एडवर्टाइजमेंट। Then investment, investment is also assets, investment भी हमारे लिए assets है 9,500। Insurance is expense for a student, insurance हमने जब तक factory insurance नहीं लिखा है student, आप office का insurance समझने का, which is indirect expense, इंश्योरेंस 320। देन ड्रॉइंग जो पैसा पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, पार्टनर्स के अकाउंट में जाएंगे, पार्टनर्स इज अ रिसीवर, डेबिट ड्रॉइंग 3,000 1,500। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक के स्टूडेंट एसेट्स, कैश एंड बैंक, दिस कैश एंड बैंक इज 27,981।
27,981। यहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने हमारा डेबिट साइड क्या कर लिया, फिनिश। नाउ वी सी द क्रेडिट। क्रेडिट साइड में जो भी आइटम्स है स्टूडेंट, वो इनकम, गेन और लाइबिलिटी। क्रेडिट के आइटम्स कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल केशव एंड देवीदास 27,35। देन स्टूडेंट वी हैव द सेल्स, डायरेक्ट इनकम है 2,05,000 रुपीज। 2,05,000 माइनस रिटर्न 4,250, 2,00,750। देन परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न स्टूडेंट्स हम लोग परचेज में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। दिस परचेज रिटर्न इज स्टूडेंट 3,230 आप माइनस करोगे 1,21,995। देन स्टूडेंट्स वी हैव द कमीशन, कमीशन कहां पे स्टूडेंट्स, कमीशन क्रेडिट साइड में है, मतलब हमको कमीशन क्या हो रहा है, मिल रहा है, हमारे लिए क्या है, इनकम। क्रेडिट 3,230। देन स्टूडेंट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स, सॉरी परचेज रिटर्न इज 3,230। परचेज रिटर्न स्टूडेंट हमारा 3,230 था। देन परचेज के बाद कमीशन, कमीशन इज स्टूडेंट 245, कमीशन इज 245। कमीशन के बाद नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स स्टूडेंट हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स का मतलब जिस तरीके से, डेटर्स का मतलब जिसको हम लोग क्रेडिट बेसिस पे सेल्स करते हैं स्टूडेंट, उसी तरीके से क्रेडिटर्स का मतलब जिससे हम लोग परचेज करते हैं क्रेडिट बेसिस पे, तो वी आर लाइबल टू पे क्रेडिटर। दिस क्रेडिटर इज 31,073। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, हम लोगों को हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या मिल रहा है, डिविडेंड इनकम फॉर अस 825। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ, ये स्टूडेंट्स हम लोग हमेशा कभी करते हैं लास्ट में, अगर पॉसिबल हुआ तो बैड डेप्थ में से माइनस, और अगर माइनस करने से वो निगेटिव में जाता होगा तो वी राइट द प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट किया हमारा डेबिट साइड का पोस्टिंग। नाउ वी सी, सॉरी डेबिट एंड क्रेडिट का पोस्टिंग। नाउ वी सी द एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस का जितना भी आइटम स्टूडेंट्स उसका ओनली वन इफेक्ट हुआ। नाउ वी स्टार्ट द एडजस्टमेंट, एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट, और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने किया है तो आई होप अभी एडजस्टमेंट्स आपको समझाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक, वेर यू राइट द क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग का क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक, दिस क्लोजिंग स्टॉक इज स्टूडेंट 15,000। अभी क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्रेडिट में लिख रहे हैं, मतलब एक तरह से हम लोग स्टूडेंट परचेज में से उसको क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। एंड सेकेंड हमारे लिए एसेट्स है, तो बैलेंस शीट का एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 5% एंड फर्नीचर पे 10%। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन स्टूडेंट कितना बोला उसने, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 5%। डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन 5%। 7,500 के ऊपर स्टूडेंट 5%,
विच इज 375 अब 375 माइनस करोगे स्टूडेंट 7125। डेप्रिशिएशन का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिशिएशन मशीनरी एंड ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना स्टूडेंट उसने बताया 10%। फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन इज 10%। अब फर्नीचर पे 10% लेस डेप्रिसिएशन 10%। अब एक बार मैं फिर से स्टूडेंट आपको ये रिमाइंड कर दूं कि आपका ये जो फर्नीचर्स है 7450 है, बट इसमें का 700 का फर्नीचर भी परचेज ऑन द लास्ट डेट, हम लोगों ने इस फर्नीचर को यूज ही नहीं किया, तो जब हमने यूज नहीं किया तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी हम चार्ज नहीं कर सकते। हमारे पास फर्स्ट डे से ये हमारे पास एसेट्स था 6750 का, तो हम डेप्रिसिएशन भी सिर्फ किस पे चार्ज करेंगे, जो एसेट्स हम लोगों ने यूज किया है 6750 का। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, 6750 के ऊपर 10% 675, तो कितना आएगा स्टूडेंट 7450 माइनस 675 6775 ये आपका डेप्रिशिएशन। सेकेंड इफेक्ट स्टूडेंट कहां पे चला जाएगा, तो सेकेंड इफेक्ट इसका स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस, मशीन के बाद आपका ये है फर्नीचर 675। दोनों डेप्रिसिएशन को आप प्लस कर दो, 375 था आपका मशीन के ऊपर, 675 फर्नीचर के ऊपर, 1050 इज योर डेप्रिसिएशन 1050। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बाकी नॉर्मल जो क्वेश्चंस करते हैं उसी तरीके से है, कुछ भी इसके अंदर अलग हम लोग नहीं कर रहे हैं कि ये बोर्ड क्वेश्चन है तो कुछ अलग हो जाए। नेक्स्ट वन इज डिडक्ट 200 फॉर बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड 2% आरडीडी। इसने बताया 200 रुपीज बैड डेब्ट्स, फिर से देखो स्टूडेंट बैड डेब्ट्स, पहले से हमारे पास एक बैड डेब्ट्स था 315, ये ट्रायल बैलेंस में है, दिस इज ओल्ड बैड डेब्ट्स, और आज हम लोग को फिर से 200 रुपीज का लॉस हुआ, तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स, दिस इज 200, ये हो गया 50,000। 200 का स्टूडेंट लॉस हो रहा है, न्यू बैड डेब्ट्स 200, ये हो गया 515, ये ओके। देन इसने बताया 2% आरडीडी। स्टूडेंट देखो अभी हम लोगों को मिलने वाला था 50,200, 200 रुपीज का लॉस हो गया, अब हम ये सोच रहे हैं कि हमको 50,000 रुपीज मिलेगा, लेकिन हमारा अकाउंटेंट बोल रहा है न्यू आरडीडी 2%। वो बोल रहा है सर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, शायद हमको 2% नहीं मिलेगा, शायद, विच इज 1,000 रुपीज। तो अगर शायद नहीं मिलेगा तो इसको भी क्या करना चाहिए, माइनस 49। पहले अभी तक 550 का लॉस हो गया था एंड 1,000 रुपीज का हम लोग प्रोविजन कर रहे हैं, ये भी न्यू है क्योंकि एडजस्टमेंट से मिला है, तो ये हो गया स्टूडेंट 1,515 रुपीज का अभी तक आपको लॉस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% नॉट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि पार्टनर ने जो पैसे लाए हैं
पार्टनर्स को उन पैसों के ऊपर क्या चाहिए स्टूडेंट, इंटरेस्ट। किसको इंटरेस्ट मिलेगा और कौन देगा, तो स्टूडेंट पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा और बिजनेस को देना पड़ेगा। पार्टनर को मिलेगा स्टूडेंट, तो पार्टनर्स के लिए इनकम क्रेडिट साइड कितना परसेंट है स्टूडेंट, 5%, 27,000 के ऊपर स्टूडेंट 5%, 1315, 1315, 35,000 के ऊपर स्टूडेंट 5%, 1750। पार्टनर को मिलेगा स्टूडेंट, किसको देना पड़ेगा स्टूडेंट, तो डेफिनेटली बिजनेस को देना पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए एक तरह से मैं बोलूं एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स हैं आपके स्टूडेंट, एक है केशव और एक है देवीदास, 1350 एंड 1750, 1750, 1350, विच इज 3100, 3100। ये ओके स्टूडेंट, अगर आपको एक एक वर्ड्स का मीनिंग मालूम होगा स्टूडेंट, तभी भी आपसे गलती होने वाला नहीं है। नेक्स्ट इसमें लिखा है केशव गेट 1% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड देवीदास पेड सैलरी। देवीदास को स्टूडेंट सैलरी दे रहे हैं, अभी देवीदास को सैलरी मिलेगा तो एक तरह से देवीदास के लिए वंस अगेन सो क्या हो जाएगा, इनकम। अब इनकम होगा तो इनकम कहां पर, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड बाय सैलरी पर एनम है स्टूडेंट 2000। दूसरा बिजनेस सैलरी देगा पार्टनर्स को, बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस एंड लॉस, वेयर वी राइट द एक्सपेंस एंड लॉस स्टूडेंट, तो वी राइट द एक्सपेंस एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। सैलरी टू देवीदास कितना हो गया स्टूडेंट, ये ओके, यस। अभी भी एक एडजस्टमेंट बाकी है स्टूडेंट, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर केशव को 1% कमीशन मिलेगा। एक स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, एक ओल्ड आरडीडी भी आपका है, जिसको मैं हमेशा बोलता हूं ना कि लास्ट में हम लोग लिखेंगे, अगर हमारे लिए पॉसिबल हुआ माइनस करना तो माइनस कर देते हैं, और माइनस करना नहीं पॉसिबल हुआ तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो आप देखोगे स्टूडेंट 315 ओल्ड बैड डेब्ट्स, देन फिर से 200 का लॉस हो गया, 515 का लॉस, 1000 आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, मतलब अभी तक आपको दिख रहा है कि 1515 का आपको लॉस होगा। लेकिन जो आरडीडी हम लोगों ने लास्ट ईयर एज्यूम किया था कि हम लोगों को लॉस होगा, उसमें से हमको 500 रुपीज क्या हो गया, मिल गया स्टूडेंट। इसको मैं बोलूंगा ओल्ड आरडीडी, ये क्या है स्टूडेंट आपका 500। तो आपका था 1515, उसमें से आपने 500 रिकवर कर लिया स्टूडेंट, तो ये हो गया 1015। ये एडजस्टमेंट नहीं था ना स्टूडेंट, तो ट्रायल बैलेंस में 500 था, तो इसका ओनली वन इफेक्ट, ये ओके। चलो अब हम क्लोज करते हैं एंड ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं, एंड ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर पार्टनर्स को कमीशंस मिलेगा 2,750 और 15,000 है स्टूडेंट, तो ये हो गया 2,15,750। डेबिट साइड को आप माइनस कर दो स्टूडेंट, जो भी आपके पास है, अगर ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस करते हो 44,800 इज अ ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट 44,800।
स्टूडेंट्स आपने देखा कि क्वेश्चंस में एक एडजस्टमेंट हम लोगों ने स्किप किया था, वो एडजस्टमेंट करना इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि उन्होंने बोला था ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कमीशन, केशव को 1% कमीशन मिलेगा, किसके ऊपर स्टूडेंट, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर 1% कमीशन, आपका ग्रॉस प्रॉफिट 44,800, इसके ऊपर स्टूडेंट 1% 448 पार्टनर्स को मिलेगा स्टूडेंट, केशव को, केशव के लिए इनकम। बिजनेस को देना पड़ेगा स्टूडेंट, बिजनेस के लिए एक्सपेंस एंड लॉसेस। कमीशन टू पार्टनर, केशव कितना था स्टूडेंट कमीशन, 448, ये ओके। चलो अब इसी तरीके से स्टूडेंट हम लोग किसको क्लोज करेंगे, तो हम लोग क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को। अब प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करोगे 44,800 245,825, तो ये हो गया स्टूडेंट 45,870। अब इसमें से स्टूडेंट 45,870। अब जो भी एक्सपेंसेस है स्टूडेंट 13,667 ये मैंने सॉरी 45,870 माइनस 1,316,710,500,320,1,050,3,100,2,448 माइनस किया तो प्रॉफिट इज 23,760 नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अब ये प्रॉफिट स्टूडेंट्स हम लोग केशव और देवीदास को क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, केशव देवीदास। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है स्टूडेंट इन लोगों का, दोनों पार्टनर्स का, कुछ भी नहीं बोला है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल, कुछ भी नहीं बोला है स्टूडेंट तो इक्वल, वी डिवाइड बाय द स्टूडेंट 2,111,880,11,880 प्रॉफिट एंड लॉस में स्टूडेंट डेबिट, तो पार्टनर्स में कहां लिखेंगे स्टूडेंट क्रेडिट, बाय नेट प्रॉफिट 11,880,11,880। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब पार्टनर्स को क्लोज करेंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो कहां पे चला जाएगा स्टूडेंट, तो वो चला जाएगा बिजनेस बैलेंस शीट लायबिलिटी में। तो ये 27 है, 448 है, 13 है, 11 है, तो ये डेबिट साइड है 40,678 टू बैलेंस 37,678 सेम हियर 50,630 तो ए है 49,130 कैपिटल केशव देवीदास 37
678, 49130, दोनों को प्लस कर देंगे स्टूडेंट 37678, 49130, 86808. बैलेंस शीट का आप टोटल करोगे स्टूडेंट, बैलेंस शीट आपका देखना क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा ये, ओके स्टूडेंट। तो ये है स्टूडेंट्स आपका फाइनल अकाउंट बोर्ड क्वेश्चन। अभी मैं बोर्ड क्वेश्चंस करूं या क्लास का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस करूं, आप देखोगे स्टूडेंट्स इसके अंदर कोई ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इसको क्या करो, प्रैक्टिस करो। अकाउंट्स आपको उस समय तक नहीं आएगा स्टूडेंट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। वंस अगेन आई रिपीट स्टूडेंट, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ आप अपने प्रॉब्लम्स को व्हाट्सएप पर शेयर करो, या फिर आप इवन कॉल कर सकते हो स्टूडेंट फ्री टाइम में, हम लोग या मैं आपको उन चीज़ों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, या कमेंट्स में लिख कर दोगे स्टूडेंट तो भी हम नेक्स्ट टाइम आपके उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।